अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बियाबानी पीएनटी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नज़र एक अहम खबर की जानिब। बहुजन समाज पार्टी के तमाम लीडर्स और फॉलोवर्स की जानिब से 100 दिन की यात्रा का आगाज। गुज़िश्ता रोज़ भी पहली यात्रा 100 दिन की गई थी, अब दूसरी बार इस यात्रा का आगाज हुआ है। इस मौके पर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार IPS फॉर्मर DGP प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी के साथ BSP स्टेट माइनॉरिटीज कन्वेनर अबरार हुसैन आज़ाद, मौलाना शफी मसूद, मोहम्मद जाहिद अली खान मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत उर्दू, 75 साल उर्दू प्रिंट मीडिया के कंप्लीट होने पर सभी ने खुशियां मनाई। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना में BJP पार्टी में जो BSP पार्टी के लोग शामिल हुए हैं अपने फायदे के लिए, उन्हें याद करते हुए उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में आएगी और अपने अपने बेहतरीन खिदमत अंजाम देगी तेलंगाना में। इस तरह से उन्होंने 100 दिन का आगाज शुरू किया है। तफसीली रिपोर्ट आसिफ रिपोर्टर की व्यापारी न्यूज़ से। इसी तरह की खबरों के लिए व्यापारी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। आज तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में तेलंगाना में ये जालिमों का हुकूमत को मिटाने के लिए हम आज बहुजन राज्याधिकार यात्रा 100 दिन का यात्रा फिर एक बार निकल रहे हैं। एक 100 दिन हो गया और दूसरा 100 दिन का यात्रा निकल रहे हैं और वो मुलगोड़ी से शुरू हो रहे हैं। तेलंगाना पूरा लुटेरों के कब्जे में है। वो तेलंगाना को वो लुटेरों से कब्जा से रिहा करने के लिए हम पूरा मेहनत करेंगे। पूरी ताकत लगा के हम तेलंगाना को पूरा वो जंजीरों को तोड़ के हम तेलंगाना को रिहा करके सभी लोगों को, मुसलमान भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, SC ST BC और माइनॉरिटी और अवकाश में जो भी पूर है वो सब लोगों को हम भलाई करेंगे। उसके लिए मैं आप लोग को सभी लोगों को एक बार धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमारे से कदम मिला के चला रहे, आप सभी लोगों को और एक बार धन्यवाद करते हुए, आप सभी लोगों का समर्थन हमको चाहिए। साहब बोगड़ू से रैली स्टार्ट हुए बाद खत्म किधर होंगे साहब? क्या चीज़? बोगड़ू से 100 डेज की जो रैली स्टार्ट हो रही खत्म किधर होंगे साहब? खत्म होने का अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, मगर शुरुआत तो मुनगोड़ से हो रहा है। ओके, थैंक यू सर। ఒకవైపు రాజగోపాల్ రెడ్డి, మరోవైపు